21 नवंबर 2016 को यूएसएस ज़ुमवॉल्ट, जो कि अमेरिका की एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर थी, ये पनामा कैनाल के वाटर्स में जा रही थी और इसके अंदर एक कैटास्ट्रोफिक प्रोपल्शन फेलियर हुआ और शिप वहीं रुक गई। सिमिलरली 23 नवंबर 2016 को, ठीक दो दिन बाद, ब्रिटिश की एचएमएस डंकन जो है उसी इलाके से दोबारा जा रही थी और वहाँ पर एक प्रोपल्शन फेलियर हुआ उसके पूरे इंजन सिस्टम में और उसकी वजह से शिप वो भी वहीं रुक गई। इन दोनों शिप्स का नाता अगर मैं आपको कहूँ कि कश्मीर से है और कश्मीर में लद्दाख से है तो आप शायद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आप ये चीज़ ज़रूर समझ जाएंगे कि इन दोनों शिप्स के पीछे कश्मीर क्यों है, लद्दाख क्यों है और चाइना क्यों है। क्या आप जानते हैं GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स को आज अगर चाइना लद्दाख में है और जो वो हरकतें लद्दाख में दिन पर दिन कर रहा है उसके पीछे का रहस्य है GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स। शायद आपने ये कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा कभी और शायद सुनोगे भी नहीं क्योंकि चाइना इसके बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं करता, लेकिन लद्दाख में जो चाइना कर रहा है वो GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स की वजह से कर रहा है। तो दोस्तों ये खेल है क्या, आइए इस वीडियो में इसी चीज़ को जानते हैं। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब सिविल वॉर के बाद इमर्ज हुआ, उस समय चाइना के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स जो थे उन्होंने बैठकर एक ड्रीम बनाया और वो ड्रीम ये था कि चाइना अगले 100 साल में, यानी कि 1949 से 100 साल के बाद 2049 में एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा। चाइना को ये बात मालूम नहीं थी कि वो ग्लोबल सुपर पावर किस डायमेंशन और किस रेल्म में बनेगा, क्या वो इकोनॉमिक सुपर पावर होगा या मिलिट्री सुपर पावर होगा या टेक्निकल सुपर पावर होगा, ये चाइना ने उस टाइम पे विजुअलाइज किया नहीं था। पर चाइना ने ये निर्णय ले लिया था कि मैं सुपर पावर बनूंगा ज़रूर और इस सुपर पावर बनने के दौरान मुझे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए चाइना ने अपनी नीतियों को, अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947-48 में जब पहला युद्ध हुआ, इस युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के कई हिस्से इलीगली ऑक्यूपाई करके रख लिए, जिसमें से काराकोरम का एक इलाका, गिलगित बल्टिस्तान का पूरा इलाका पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा। इस पूरी मुहिम में ब्रिटिश की और अमेरिका की बहुत बड़ी चाल भी थी, वो चाहते भी थे कि गिलगित बल्टिस्तान का पूरा इलाका जो है पाकिस्तान के पास चला जाए, क्योंकि अगर इंडिया एक नॉन अलाइंड देश उस समय इमर्ज करके बन रहा था तो पाकिस्तान को कैपिटलिज्म की एम्ब्रेस में रख के अमेरिका जो है उसको एक बेस बनाकर सोवियत यूनियन पर गिलगित बल्टिस्तान में रहकर नज़र रखना चाहती थी। लेकिन अमेरिका के इस गेम में एक चाइना अड़चन बना हुआ था। चाइना ने जब ये चीज़ देखी 1947-48 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद कि भारत का काराकोरम का इलाका, गिलगित बल्टिस्तान का इलाका पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, तो चाइना के मन में एक ख्याल आया कि मुझे पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। उसके दो कारण हैं। उसका सबसे पहला कारण है कि मैं इंडिया को कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान का प्रयोग करूंगा, जो कि आज की डेट में आप सभी जानते हैं वो करता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि चाइना को ये लगा कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से मुझे काराकोरम के वो इलाके से एक्सेस मिल जाएगा जिससे कि मैं सेंट्रल एशिया के मध्य देश में जो सारे वहाँ पर इलाके हैं जो कि उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, उन सेंट्रल एशिया के देशों में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर पाऊंगा और उसके लिए मेरे को एक लैंड रूट मिल जाएगा। इसी रीजन से चाइना ने जो जिनजियांग प्रोविंस, जिसको सिंकियांग प्रोविंस भी वो लोग कहते हैं, उस पर अपनी पकड़ बनाई और उस पकड़ को बनाने के बाद चाइना ने काराकोरम से होते हुए काराकोरम हाईवे बनाया। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन 1950 के दशक में और ख़राब हुए और इसी दशक में जब इंडिया और चाइना के रिलेशन भी ख़राब हुए, इंडिया और चाइना के रिलेशन ख़राब करने में इसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिका डिलिबरेटली चाहता था कि इंडिया और चाइना के रिश्ते ख़राब हो। मैं बहुत ही जल्द दोस्तों आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि अमेरिका का पूरा गेम प्लान जो उन्होंने रचा नेहरू के साथ मिलके, कि हम चाइना को प्रोवोक करें इस एक्सटेंट तक कि चाइना हमारे ऊपर रिटेलिएट करे और US वहाँ बैठ के पीछे से ताली बजाए, वो एक्चुअल में खेल क्या था। चाइना और इंडिया के रिलेशन 1950 के दशक में डिटीरियोरेट हुए। इस डिटीरियोरेशन के बाद एक चीज़ तय हो गई कि जब चाइना ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि मेरे रिश्ते पाकिस्तान से मजबूत हैं, इंडिया से मेरे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, इसी दौरान 1962 की इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हो गई। इस झड़प के बाद चाइना ने और पाकिस्तान ने अपने रिश्ते और मजबूत किए।
चाइना ने पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर भी मदद की, और इस आर्थिक तौर की मदद का रिटर्न में 1963 में चाइना और पाकिस्तान ने एक बाउंड्री अग्रीमेंट साइन करते हुए उस समय पाकिस्तान ने चाइना को कश्मीर का एक टुकड़ा दे दिया, और ये टुकड़ा पाकिस्तान ने एक भिखारी देश ने, आप सोचिए कि, चाइना को गिफ्ट में दिया। मैंने जीवन में पहली बार ये भी सुना और पढ़ा इतनी किताबें पढ़ के कि भिखारी लोग भी गिफ्ट दे सकते हैं, और पाकिस्तान उसमें से एक था। तो पाकिस्तान ने जब ये गिफ्ट चाइना को एक टेरिटरी दी, तो वो 5180 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी थी दोस्तों, जिसका नाम है शक्सगम वैली। आज की डेट में इसको हम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और शक्सगम वैली बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि इस शक्सगम वैली में 252 ग्लेशियर्स हैं, और चाइना की नज़र कश्मीर में शक्सगम वैली से लेके इन 252 ग्लेशियर से लेके दौलत बेग ओल्डी से लेते हुए पूरे नीचे आते तक गलवान वैली से पेंगोंग लेक तक की पूरे इलाके पे नज़र है। उस समय इसको शक्सगम वैली मिल गया, शक्सगम वैली में 252 ग्लेशियर मिल गए। इन ग्लेशियर्स का प्रयोग, चाइना को ये पता था कि मुझे कभी ना कभी तो आएगा। दोस्तों जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ होती गई, चाइना की नदियों का पानी का प्रयोग किया गया, चाइना की जो खुद की अपनी नदियाँ थीं जिसमें उसमें उसकी येलो रिवर थी, यांगसे रिवर थी, ये सारी नदियाँ ग्रेजुअली पोल्यूट होती गईं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसी परिस्थिति आई कि जब चाइना को ये चीज़ समझ आ गई कि भाई हमें अगर अपना प्रेजेंस इस इलाके में बना के रखना है और हमें अगर ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो हमें कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा। दोस्तों 1990 के दशक के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आया, चाइना ने टेक्नोलॉजी के इनोवेशन को पकड़ा, क्योंकि चाइना को ये बात पता थी कि अमेरिका एक मूर्ख सुपर पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री गेम खेलता है और उसको मिलिट्री सुपीरियरिटी दूसरे देशों के सामने जाके दिखानी है। 1990 में जब शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद अमेरिका का जो मिलिट्री सुप्रीमेसी चल रही थी उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने टेक्निकल सुपीरियरिटी का गेम शुरू करा, और 1990s में चाइना को वो दिशा मिल गई जिसको वो ढूंढ रहा था कि मुझे अगर सुपर पावर 2049 में बनना है, तो चाइना को समझ आ गया कि मैं टेक्निकल सुपर पावर बनूंगा। दोस्तों चाइना ने उस समय हार्डवेयर पे काम शुरू किया, कंप्यूटर हार्डवेयर्स पे खास करके फोकस किया। उसी दौरान आप जानते हैं कि भारत जो है उस समय सॉफ्टवेयर पावर बन रहा था, हम लोगों ने पूरी जो Y2K जनरेशन थी उस समय हमने उसको एक सॉफ्टवेयर की जनरेशन की तरह से उसको नर्चर भी करा। हम लोग सर्विसेज के एक्सपोर्ट में, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में माहिर बनते गए, और चाइना वहाँ पे हार्डवेयर एक्सपोर्ट में पाइनियर बनता गया। इवेंचुअली दोस्तों एक ऐसी परिस्थिति आई कि चाइना ने एक नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड का गठन किया। अब ये नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड देखने में बड़ा हार्मलेस सा लगता है, लेकिन इस फंड के पीछे है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, इस फंड के पीछे है चाइना की गवर्नमेंट। दोस्तों ये जो फंड क्रिएट किया गया, ये एक फंड जो था ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत बनाया गया। इस फंड में चाइना ने पूरे विश्व के सामने ये दिखाया कि देखिए ये एक निजी फंड है, और ये निजी फंड क्या करेगा कि ये बेसिकली माइक्रोचिप्स बनाएगा, माइक्रोवेफर्स बनाएगा, और ये माइक्रोचिप्स और माइक्रोवेफर्स बना के पूरे वर्ल्ड को लो कॉस्ट माइक्रोचिप्स माइक्रोवेफर्स प्रोवाइड करेगा। अब जब ग्लोबलाइजेशन पीक पे था 1990 और 2000 के अर्ली दशक में, तो उस समय माइक्रोचिप इंडस्ट्री बूम कर रही थी, और चाइना ने जब ये फंड बनाया तो उसने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि ये फंड से हम पूरे विश्व स्तर पर इस तरीके के माइक्रोचिप्स को सस्ते में दूसरे देशों की मिलिट्री से लेके उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना। इस फंड के तहत चाइना ने माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, और इस फंड के तहत उनको ये समझ आ गया कि अगर हमें मास लेवल पे माइक्रोचिप्स बनाने हैं और मास लेवल पे माइक्रोचिप्स बनाकर उनको पूरे वर्ल्ड में बेचना है, तो माइक्रोचिप्स बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की सबसे खास आवश्यकता है, और वो है सैंड और वो है पानी, क्लीन वाटर। क्योंकि दोस्तों एक माइक्रोचिप वेफर जो 30 सेंटीमीटर का सिलिकॉन वेफर होता है, उसको बनाने के लिए आज की डेट में 10,000 लीटर पानी की, साफ पानी की आवश्यकता होती है। चाइना के मन में गेम क्लियर था कि मुझे माइक्रोचिप वेफर सुपर पावर बनना है, टेक्निकल सुपर पावर बनना है। जब उसने ये फंड क्रिएट किया, इस फंड के बाद उसके मन में दो चीज़ें आईं कि मेरे पास भारत का इल्लीगली ऑक्यूपाइड इलाका अक्साई चीन भी है, अक्साई चीन से लेकर टकलामकान डेजर्ट तक उस पूरे इलाके में
जो कि एक रेगिस्तान है पहाड़ों में हिमालय में, वहाँ पर था सैंड। और चाइना को समझ आ गई कि ये सैंड तो मेरे कब्जे में है ही, लेकिन अब चाइना को चाहिए था पानी। और चाइना को पानी इसलिए चाहिए था क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी तो उस समय उसने अपनी नदियों को पोल्यूट कर चुका था। अब पानी जो बचा था फ्रेश वाटर, वो केवल हिमालय में बचा था। इस रीज़न से चाइना के मन में 2010 के बाद एक स्ट्रैटेजी बननी चालू हुई। दोस्तों 2010 से लेकर आज तक पिछले 10 से 12 सालों में चाइना के मन में दो चीज़ें आईं, मुझे साफ पानी, तिब्बत से किसी भी नदी का ओरिजिनेट हुआ हुआ भारत की ओर अगर वो जाता है तो उसको रोकना है जिससे कि भारत की प्रगति रुकेगी। अब आप समझ पा रहे हैं कि तिब्बत से ओरिजिनेट हुई हुई संगपो नदी का पानी जब भारत में अरुणाचल की ओर से मुड़कर ब्रह्मपुत्रा की तरफ से हमारे यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी के तहत बहता है तो चाइना उसके ऊपर वहाँ पर डैम बनाती है, उस पानी को रोकती है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण कोई भारत को आर्म ट्विस्ट करना नहीं है, बल्कि उस पानी का प्रयोग करना है ताकि वो सिलिकॉन वेफर्स बना पाए। क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, 30 सेंटीमीटर के सिलिकॉन वेफर को बनाने के लिए 10,000 लीटर का पानी और सैंड चाहिए। सैंड तो कहीं से भी आ जाएगी, पानी कहाँ से आएगा? फिर इसके बाद चाइना को समझ आया कि मेरे पास शक्सकम वैली है जो मेरे को एक भिखारी देश पाकिस्तान ने गिफ्ट में दी थी, जिसमें 252 ग्लेशियर्स हैं। इन ग्लेशियर्स के पानी को मेल्ट करके फ्रेश वाटर बनेगा। जिनजियांग में चाइना ने बनाई GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स, इसकी एक सब कंपनी बनी MT पॉलीसिलिकॉन। ये GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स चाइना ने एक निजी कंपनी के तौर पे इसको बना के रजिस्टर किया और बोला कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। लेकिन दोस्तों GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स जो है ये भी चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जो जुड़ा हुआ है नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड से। और इसका एक सब ऑर्गेनाइजेशन बना MT पॉलीसिलिकॉन, और ये MT पॉलीसिलिकॉन भी उसी फंड से और GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग से जुड़ा हुआ है। और ये तीनों के तीनों चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के फ्रंट्स हैं। आज की डेट में ये तीनों मिलके पूरे वर्ल्ड में विश्व लेवल पर माइक्रोचिप्स, सिलिकॉन वेफर्स बना रहे हैं। यूएसएस जुमवल्ट में जो प्रोपल्शन फेलियर हुआ, वो प्रोपल्शन फेलियर का कारण जब CIA ने पता कराया तो वो प्रोपल्शन फेलियर का कारण दोस्तों यही था कि उसमें जो माइक्रोचिप्स लगे हुए थे वो चाइनीज थे और वो अमेरिकन्स ने खरीदे थे चाइना से सस्ते में इस फंड के तहत। HMS डंकन में जो प्रोपल्शन फेलियर हुआ था 23 नवंबर 2016 को, वो प्रोपल्शन फेलियर का कारण जब ब्रिटिश की MI5 ने पता लगाया कि वो प्रोपल्शन फेलियर का कारण क्या था, तो वो भी मालूम चला कि उसमें भी वही माइक्रोचिप्स लगे थे जो ब्रिटेन ने खरीदे थे चाइना की MT पॉलीसिलिकॉन से। दोस्तों चाइना ने आज की डेट में विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जिसको सस्ते माइक्रोचिप्स नहीं बेचे। और आज की डेट में ये जो सस्ते माइक्रोचिप्स हैं, ये माइक्रोचिप्स उन्होंने पूरे विश्व स्तर पर दूसरी देशों की मिलिट्रीज को भी बेच दिए हैं, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी बेच दिए हैं। और इन सारे के सारे माइक्रोचिप्स के अंदर एक बैकडोर एंट्री सिस्टम चाइना ने कोड करके लगा दिया है, जिसकी वजह से जब चाइना का मन करे तो उसके पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारी बैठे हुए बस वो कोडिंग को चेंज करते हैं और एक USS जुमवल्ट का या HMS डंकन का चाइना के अंदर किसी गांव में बैठे हुए एक पूरी की पूरी शिप का प्रोपल्शन फेलियर एक सिर्फ कोड चेंज करने से करा देते हैं। अब आप समझिए कि चाइना ने जब शक्सकम वैली पे अपना शिकंजा कस लिया था और वहां से ग्लेशियरों का पानी लेना शुरू कर दिया था, उसके बाद चाइना ने लद्दाख की ओर नज़र उठाई। कोरोना काल में जब पूरे विश्व स्तर पर एक लॉकडाउन लगा हुआ था तो चाइना ने हरकत कर लद्दाख की ओर नज़र बढ़ाई और आज की डेट में उस पेंगोंग नदी के पास का इलाका, जो पेंगोंग लेक सॉरी जो पूरी पेंगोंग लेक है, उस पूरी पेंगोंग लेक के आसपास के इलाके को इलीगली ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी। और दोस्तों ये जो पेंगोंग लेक का इलाका है, पेंगोंग लेक के साथ साथ ये जो पूरा का पूरा इलाका आज की डेट में दौलत बेग ओल्डी से लेकर दबरुक श्योक रोड के आसपास से बना हुआ होते हुए गलवान वैली की तरफ को जो आता है, आज की डेट में चाइना का नज़र इस इलाके पे इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी फ्रेश वाटर लेक्स हैं। यहाँ पर आज की डेट में वो सारा इलाका है लद्दाख का जिसको चाइना को पता है कि इस इलाके में इतना फ्रेश वाटर है कि ये फ्रेश वाटर कल को मेरी माइक्रोचिप इंडस्ट्री को सस्टेन करेगा। इसी रीज़न से दोस्तों इस लॉन्ग टर्म विज़न ऑफ चाइना को जब हमने भी अंडरस्टैंड किया तो भारत सरकार को ये चीज़ समझ आई कि चाइना का लॉन्ग टर्म विज़न यही होगा कि वो अगर शक्सकम वैली पे अपना शिकंजा कसेगी तो शक्सकम वैली के बाद नेक्स्ट स्टेप उसका लद्दाख होगा। तो लद्दाख में जो आज की डेट में सलामी स्लाइसिंग चाइना करती है,
और जिस सलामी स्लाइसिंग को करके चाइना ने लद्दाख के अंदर टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश बार बार की है, ये एक लार्जर गेम प्लान का पार्ट है। और अब आप समझेंगे कि इस गेम प्लान को नलीफाई करने के लिए भारत सरकार का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था कि उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, इसके एब्रोगेशन को अब आप इसीलिए समझ पाएंगे कि इसका एब्रोगेशन का सबसे बड़ा कारण यही था कि अगर 370 को एब्रोगेट कर अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान से एब्रोगेट करके हटाकर अगर उसको लद्दाख के इलाके को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र और भारत की मिलिट्री और इंटेलिजेंस की नज़र वहाँ पर डायरेक्ट होगी। और आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चाएं चल रही हैं कि 370 जो था वो लीगल था या नहीं इलीगल था। तो आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि ये जो कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाए जा रहे हैं कि लद्दाख का गेम प्लान जो चल रहा है, चाइना का जो ऑक्यूपेशन है लद्दाख का, हमें ये चीज़ समझनी है दोस्तों कि ये गेम प्लान चाइना के एक खुद के लॉन्ग टर्म एम्बिशन को फुलफिल करने का है। अनुच्छेद 370 को हटाना उस एम्बिशन में एक पियर्सिंग का पार्ट कर रहा था। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में एक हफ्ता पहले भारत की सरकार ने एक नीति जारी करी जिसमें उन्होंने बोला कि बाहर से इम्पोर्टेड लैपटॉप्स भारत में नहीं आएंगे, हम भारत में अपने लैपटॉप्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो पूरी सोशल मीडिया पे एक डिजिटल पत्थरबाज जो हैं वो इकट्ठे होकर एकजुट हो गए और उन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि इसमें फलाने बिजनेसमैन का फ़ायदा है, फलाने बिजनेसमैन का फ़ायदा है। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन अगर भारत में लैपटॉप बना रहा है और अगर वो लैपटॉप बना के बेच रहा है तो उसमें इसमें नुकसान की क्या बात है? आपको ये चीज़ समझनी है कि चाइना की जो बैकडोर है आज की डेट में आपके सारे लैपटॉप्स में, हमारे पूरे मुंबई में और हमारे बेंगलोर के इलाके में जितनी कॉरपोरेट कंपनीज आज की डेट में एप्पल के लैपटॉप्स फैशनेबल तरीके से लेके घूमती हैं और उसमें सारा काम करती हैं और ये सोचती हैं कि हमारा कॉरपोरेट डेटा उन सारे लैपटॉप्स में सेफ है, दोस्तों वो सारा का सारा कॉरपोरेट डेटा चाइना एक्सेस कर रहा है। उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी आपके सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पढ़ रही है। आज की डेट में अगर उसको उठा के उसने डार्क वेब पे या जिसको हम डार्क इंटरनेट कहते हैं अगर उस पर लीक कर दिया तो आप सोचिए कि हमारे कॉरपोरेट सेक्टर की क्या हैसियत रह जाएगी। तो खेल को समझिए दोस्तों, लद्दाख एक लंबा गेम है, लद्दाख एक छोटा गेम नहीं। लद्दाख में चाइना का एक बहुत बड़ा एम्बिशन है और लद्दाख में अगर आज की डेट में भारत की सेना खड़े होकर वहाँ पर चाइना को उस एम्बिशन को अचीव करने से रोक रही है तो जाहिर सी बात है कि चाइना उसको लेकर खुश नहीं होगा। इसी रीज़न से आप सोचिए कि अनुच्छेद 370 को हटा के लद्दाख में प्रेजेंस रखना क्या हमारे लिए ठीक है या नहीं है। इसीलिए आप सोचिए कि क्या भारत को ये चीज़ को इनकरेज एक लॉन्ग टर्म नीति बना के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि हमें अपने लैपटॉप्स हमारे यहाँ पर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत एक अग्रेसिव लेवल पे खुद बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। इसका निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन ये मत भूलिएगा कि लद्दाख एक ऐसा टेरिटरी है जिसके ऊपर चाइना की नज़र है और हमें ये बात मालूम है कि लद्दाख से चाइना का एक ग्लोबल पावर एम्बिशन अचीव होगा और भारत की कसम ये एम्बिशन अचीव होने नहीं देंगे हम उसको। हमने एक चीज़ 2015 में भारत के रॉ के चीफ ने एक इनफॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन में दुबई में पाकिस्तान के उस समय CIA के हेड को बोली थी कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मटीरियलाइज नहीं होगा। मैंने जब भी अपने क्लासों में बच्चों को ये बात बताई तो बच्चे कई बार अक्सर सोचते थे कि सर आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आज तक पूरा फुल्ली बन के फंक्शनल नहीं हो पाया, नहीं होगा, होने नहीं देंगे। धन्यवाद।